नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको रीट भर्ती, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एवं अन्य भर्तियों की जानकारी मिलेगी। साथ साथ राजस्थान शैक्षिक समाचार की पीडीएफ फाइल भी आपको वहां पर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 1 अगस्त 2022 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। उपेन यादव का ट्यूट देर रात। उपेन यादव पहुंचे बीकानेर निदेशालय। आज शिक्षा निदेशक से रीट मुख्य परीक्षा सिलेबस, रीट परीक्षा पदों में बढ़ोतरी को लेकर शिक्षा निदेशक से मुलाकात करेंगे। रीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर विद्यार्थियों ने उठाए सवाल, आंसर की का इंतजार। राजस्थान पत्रिका न्यूज चूरू। मुख्यमंत्री की 2 वर्ष की छूट के बाद अब आगे क्या? भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित कैटेगरी के पुरुषों को 5 साल की और महिलाओं को 10 साल की छूट दी जाती है। नया नियम कब से लागू होगा, क्या असर होगा? ऊपरी आयु सीमा में 2 साल की छूट दी जाएगी। इसके आधार पर माने तो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में 42 साल तक आवेदन की छूट रहेगी। इसी तरह से आरक्षित वर्गों की आयु सीमा की छूट भी 2 साल बढ़ जाएगी। कितनी भर्तियों पर असर पड़ेगा? रीट के परिणाम के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 46,500 पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा 12वीं स्नातक स्तर की कई भर्तियों के लिए सीईटी का आयोजन भी प्रस्तावित है। अगस्त में सीईटी की विज्ञप्ति जारी होगी। सीईटी के बाद 20,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इसी तरह से फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर के 4,000 से अधिक पदों पर भर्तियां जल्द आएगी। इन भर्तियों में नया प्रावधान लागू हो सकता है। प्रक्रियाधीन भर्तियों में लागू होगा या नहीं, यह भी तय नहीं। नॉन टीएसपी के कार्मिकों की गृह जिले में समायोजन की मांग, कुशलगढ़ भास्कर न्यूज। 500 किलोमीटर दूर ड्यूटी गृह जिले में भेजने की मांग। सरकार के खिलाफ नॉन टीएसपी के 2500 शिक्षक कल छुट्टी पर, उदयपुर भास्कर न्यूज। थर्ड ग्रेड व्याख्याता भर्ती, कृषि विषय में केवल 3 विषयों के अभ्यर्थी पात्र। भर्ती परीक्षा अक्टूबर में बीकानेर। शिक्षा विभाग, स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 में इस बार अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में कृषि विज्ञान के सिर्फ 3 विषय एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर तथा एनिमल हस्बेंड्री में स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को ही आवेदन का पात्र माना गया है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 अक्टूबर में है परीक्षा प्रस्तावित। रविवार को कृषि विषय के अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधि मंडल इस संबंध में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला से मिला और नियम संशोधन की प्रक्रिया को जल्द पूरा करवाने की मांग की है। राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, प्राध्यापकों व्याख्याताओं को नौसन परिलाभ देने का आदेश। नवज्योति उदयपुर। सीधी भर्ती मामला, भूजल विभाग समीक्षा परीक्षा आज और कल अजमेर जिला मुख्यालय पर होगी आयोजित। नवज्योति आरपीएससी अजमेर। ग्रुप डी भर्ती के लिए एनसीवीटी में प्राप्तांक 10 अंक तक करने होंगे अपलोड। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया लिंक। नवज्योति अजमेर। बेरोजगारी के कारण युवाओं में बढ़ रही है निराशा। सहायक आचार्य गणित के 34 पदों के साक्षात्कार आज से। आरपीएससी अजमेर भास्कर न्यूज। राजस्थान सहकारी बैंकों में 500 कार्मिकों की भर्ती होगी, जल्द जारी होगी विज्ञप्ति। बेरोजगार 21 अगस्त को करेंगे गुजरात कूच। जयपुर उपेन यादव के नेतृत्व में
15 सूत्री मांगों को लेकर, इसके अलावा कई भर्तियों को लेकर। स्कूलों में 9,862 कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति, जल्द होगी बजट जारी। सीकर, भास्कर न्यूज। एमडीएसयू परीक्षा टाइम टेबल जारी, अजमेर, भास्कर न्यूज। कोटा विश्वविद्यालय, सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं का कोर्स 4 महीने में पूरा होगा, भास्कर न्यूज। विधायकों की सिफारिश पर 3 साल में 11 डिग्री कॉलेज खुले, लेक्चरर 13 ही लगे, भास्कर न्यूज। भरतपुर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय यूजी फाइनल परीक्षा, परिणाम आए नहीं, पीजे में प्रवेश देना कर दिया शुरू, भास्कर न्यूज। जोधपुर, इंग्लिश मीडियम के महात्मा गांधी स्कूलों में भामाशाह करवा सकेंगे 10 एडमिशन, हनुमानगढ़, भास्कर न्यूज। राजस्थान पत्रिका न्यूज, निजी की राह पर अंग्रेजी माध्यम स्कूल, मनमर्जी का ड्रेस कोड थे, राजस्थान पत्रिका। यह सरकार की निर्धारित ड्रेस। कक्षा 9 से 12 में प्रवेश अब 16 अगस्त तक हो सकेंगे, राजस्थान पत्रिका न्यूज। जयपुर, गार्गी पुरस्कार, बीएससी नर्सिंग में सेमेस्टर सिस्टम, अब प्रैक्टिकल पर फोकस बढ़ेगा। जयपुर, बोर्ड की पूरक परीक्षाएं 4 अगस्त से, प्रवेश पत्र आज से कर सकेंगे डाउनलोड, 1,500 की साक्षात करानी होगी जमा, नवज्योति। अजमेर, कॉमन एडमिशन टेस्ट केट परीक्षा 27 नवंबर को, नवज्योति। कोटा, पीटीटी 2022 कॉलेज विकल्प भरते समय चूके तो गया मौका, 2 व 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए जारी किए दिशा निर्देश। पीजी एंट्रेंस परीक्षा 3 अगस्त से, राजस्थान विश्वविद्यालय। 5वीं 8वीं की पूरक परीक्षाएं 8 अगस्त से प्रारंभ होगी, जयपुर टाइम्स। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में 17 जुलाई 2022 हेतु ऑनलाइन प्रवेश प्रारंभ, जयपुर टाइम्स। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पीजी प्रथम सेमेस्टर में आनन फानन में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी, डिप्लोमा भी प्रवेश शुरू, एमएससी के आवेदन फिलहाल नहीं, नवज्योति। जोधपुर, बिना परिणाम 10 अगस्त तक आवेदन का दांव।